उल्लासनगर बिजली के कारण लगने से दो मजदूरों की दर्दनाक मौत। बता दें दोस्तों, रिजेंसी प्लाजा इमारत में टेरेस पर काम कर रहे दो मजदूरों की बिजली के कारण से दर्दनाक मौत हो गई। इसकी जानकारी मिलते ही तुरंत अग्निशमन विभाग व पुलिस कर्मचारी वहां पर पहुंचे और दोनों शवों को रस्सी के जरिए नीचे उतारा गया। मिली जानकारी के अनुसार शांतिनगर परिसर में रिजेंसी प्लाजा बिल्डिंग के टेरेस पर कुछ अवैध तरीके से किसी होटल का काम चल रहा था। बता दें दोस्तों, रिजेंसी प्लाजा एक कॉमर्शियल बिल्डिंग है, उसकी टेरेस पे किसी होटल के कार्य के चलते वहाँ पे कुछ पेड़ लगाए जा रहे। इसी काम के दौरान मजदूर रामनारायण पंडित और विवेक सिंह की घटनास्थल पर बिजली के कारण लगने से मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन? पुलिस प्रशासन को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। आखिर कब तक हमारा शहर उल्लासनगर ऐसे घटनाएं, ऐसे दुखद घटनाएं झेलता रहेगा? आखिर कब तक ऐसे हादसे इस शहर में होते रहेंगे? कुछ दिन पहले ऐसी एक दुर्घटना उल्लासनगर 5 के वाल्मीकि परिसर में हुई, जहां पर एक नवनिर्माण होते हुए एक जेसीबी द्वारा एक विशाल पेड़ को बेरहमी से रौंदा गया और उसकी चपेट में बिजली के कुछ खंभे आ गए। पर सौभाग्यवश कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, किसी की जान नहीं गई और कोई हताहत नहीं हुआ। धन्यवाद। मैं एडवोकेट नंदा उदासी, मैं अपोजिट मान निवास बंगला गांधी रोड और वो बिल्डिंग के सामने रहती हूँ। यहाँ पे कुछ दिनों से काम चालू था, इलीगल कंस्ट्रक्शन है। बिल्डर लोगों ने केयर विदाउट टेकिंग प्रॉपर सिक्योरिटी एंड प्रिकॉशन, वो कल जेसीबी आज सवेरे आई और ये पेड़ गिरा के गई, जिसकी वजह से ये सारे पोल लाइट के वो टूट गए। यहाँ पे जो गवर्नमेंट का नाला था वो चौकअप हो गया, पानी की लाइनें आप देख रहे हो वो सारी टूट गई और एक पोल नहीं सारे पोल गिर गए हैं और ना ही कोई रिस्पांस लेने आया है। और बारिश की वजह से तो हमारी हालत और खराब है, सवेरे से लाइट भी बंद है और हमारा जो घर है वहाँ के ऊपर ये पूरा आप देखेंगे तो ये पूरा पोल जल रहा है, जिससे हमारी लाइफ को तो डेंजर ही है लेकिन हमारे जो पेरेंट्स रहते हैं सीनियर सिटीजन वो भी डेंजर में।